हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मजबूस राइस, जो कि पूरे अरब में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हर एक पार्टी, हर एक फंक्शन में आपको ये खाना ज़रूर मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ पे घी, और हमने यहाँ पे एक स्पून घी यूज़ किया है, बड़े स्पून से। तो अब साथ में हम डाल लेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें से हमें ड्राई लेमन हमने डाला है यहाँ पे, तेज पत्ते हैं यानी बे लीव्स, कर्डमोम, सिनेमन, और साथ में हमने लिया है क्लोव्स, ठीक है। तो ये हमने डाला है इसमें होल मसाले। अब साथ में डाल लिए हैं हमने यहाँ पे ऑनियन, जो कि हमने स्लाइस करके रख लिया था, स्लाइस ऑनियन हमने यहाँ पे डाला है। उसको थोड़ी देर भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भूनना है। अब साथ में डाल लेंगे हम यहाँ पे कैप्सिकम, आपके पास में अगर ग्रीन कैप्सिकम है तो भी चलेगा। हमारे पास रेड भी था, येलो भी था, तो हमने ये तीनों कैप्सिकम यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं, देख सकते हैं, जो कि टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और साथ में हमने लिया है यहाँ पे मजबूस पाउडर, ठीक है, मजबूस पाउडर, जो कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है अपना इंडिया में या दूसरे जगह पे, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा, बट मिल जाएगा उधर भी। तो अब उसमें हमने थोड़े से भून लिया था हमने उसको थोड़ा सा। अब साथ में अब हम डाल लेंगे इसमें पानी। तो पानी जो हमने डाला है यहाँ पे, वो क्वांटिटी के हिसाब से आपको डालना है। अगर राइस 1 किलो है, 1 लीटर मतलब राइस के हिसाब से डबल डालना है, ठीक है ना। अगर 1 गिलास राइस है तो आपको 2 गिलास पानी डालना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जितना राइस होगा उसका डबल डालना है, अगर बासमती राइस से बना रहे हैं तो। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बासमती राइस से ही बनाएं, ताकि आपका जो मजबूत है राइस है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के निकले। तो हमने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ किया है, और पानी जो हमने डबल डाला है, ठीक है ना, राइस का डबल हमने पानी डाला है। अब इसको हमें यहाँ पे पका लेना है लगभग 80%, ठीक है, 80% पका लेना है, और पानी को पूरा सुखा देना है उसी राइस में, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा राइस जो है वो पूरी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त पक चुका है, लगभग 80% पक गया है ये, और पानी भी लगभग सूख चुका है। तो अब इसको सिर्फ दम लगाना है, ठीक है। तो अब हम इसको, इसमें थोड़ा सा हम घी डाल लेंगे ऊपर से, जो कि फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी मज़ेदार होता है। तो अब उसमें जो मज़ेदार का चीज़ डालना है वो है दिल लीव्स, ठीक है ना। ये दिल लीव्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू लाता है इसमें मजबूस में, तो आप ज़रूर ये चीज़ डालें, दिल लीव्स, ठीक है ना, आपको मार्केट में मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं मिलेगा सो, ठीक है ना। तो अब इसको हम, इसको अल्मोनियम फॉइल से हम कवर कर लेंगे इस तरह से। आप चाहो तो इसके ऊपर ढक्कन भी लगा सके, दम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या है कि अल्मोनियम फॉइल यूज़ किया है, इसको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि इसका अंदर का जो स्मोक है वो बाहर ना आए, और हमारा जो मजबूत राइस है वो अच्छे से दम हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा मजबूत राइस को, इसको ज़्यादा देर तक इसमें नहीं पकाना है, लगभग 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट इसको दम लगाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा राइस जो है वो 80% पक चुका था। तो 10 मिनट में हमारा जो राइस है वो पूरा पक जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो इस, अब हम इसको खोल लेते हैं और दिखाते हैं, हमारा लगभग 10 मिनट हो चुका था, तो अब हम इसको खोल लेते हैं और दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा मजबूत राइस बन के रेडी हो गया है। आप इसको चिकन या मटन के साथ में, दोनों के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर रेसिपी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर करना है,
क्योंकि आप अगर कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसा लग रहा है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।